हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने बीए पार्ट थर्ड की जो पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है पेपर सेकंड में, उसकी जो फर्स्ट स्टोरी थी श्रॉट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई, उसकी स्टडी की। आज हम इस वीडियो में सेकंड जो स्टोरी है रूट्स, जो इस्मत चुगतई के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस्मत चुगतई की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इस्मत चुगतई का जन्म 21 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। वो राजस्थान के जोधपुर में पली बड़ी और वहां पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो परिवार में जो घनिष्ठता थी, बाउंडेशन थी, उसके बारे में अनुभव किया और देखा। वो 20वीं शताब्दी की महान उर्दू लेखिका के रूप में जानी जाती है। 20वीं शताब्दी में कल जैसे हमने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद ने भी उर्दू में कहानियां लिखी थी। कल जैसे आपको बताया था कि नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखी थी, लेकिन जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आ गए तब उन्होंने अपनी जो कहानियां हैं वो हिंदी में लिखना शुरू किया। तो मुंशी प्रेमचंद भी 20वीं शताब्दी के हिंदी और उर्दू दोनों के ही महान कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं। उसी प्रकार से इस्मत चुगतई जो है वो भारतीय उर्दू की लघु कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार हैं। उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 को बॉम्बे में हुई। वो 10 भाई बहनों में से एक थी। इस तरीके से उन्होंने ज्यादातर फेमिनिस्ट अर्थात महिलाओं के बारे में लिखा है। फेमिनिस्ट वो स्टोरी राइटर है, अर्थात ज्यादातर महिला वर्ग के बारे में लिखने वाली है, उन पर होने वाले उत्पीड़न के बारे में लिखने वाली है। तो हम स्टूडेंट्स अब इस स्टोरी जो रूट्स है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि रूट्स का अर्थ होता है जड़ें। यहां पर जो रूट्स है वो हिंदू और मुस्लिम परिवार की जो तीन पीढ़ियों से जो फाउंडेशन थी, जो संबंध थे, उनके बारे में ये कहानी है। जैसा आप जानते हो कि 14 अगस्त 1947 को हमारे भारत से अलग होकर पाकिस्तान हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जब दोनों ही देश अलग अलग विभाजित हो गए तब यह बोला गया कि जो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो भारत चले जाएं और भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो सभी पाकिस्तान चले जाएं। इस खबर को सुनकर मानो जो पीढ़ियां हिंदू और मुसलमान जो पीढ़ियां एक साथ रह रही थी, मानो उन पर पहाड़ टूट पड़ा और उन्हीं परिवारों में से एक परिवार जोधपुर रहता था, जो मुस्लिम जो परिवार था उसकी जो मुखिया थी वो अम्मा थी, जो उनके जो पति थे उनका देहांत हो गया था और अब वो उस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला थी। अब पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी उसी के कंधों पर थी। और दूसरा जो हिंदू जो परिवार था वो डॉक्टर रूपचंद जी का था। इन दोनों ही जो परिवार थे उनमें कई पीढ़ियों से बहुत ही घनिष्ठता थी। एक दूसरे के सुख दुख में वो हमेशा तैयार रहते थे
एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन जैसे ही यह आदेश हुआ कि भारत के जो मुसलमान है वो पाकिस्तान चले जाए और जो पाकिस्तान के जो हिंदू है वो भारत आ जाए, इस आदेश ने जो जोधपुर में, जो इंडिया में जो मुसलमान जो रहते थे उन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। और जो नई पीढ़ी थी, अर्थात जो अम्मा के जो बेटे थे, वो चाहते थे कि हम यहां से छोड़कर पाकिस्तान जाए, तो वो तो तैयार थे कहां जाने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन जो अम्मा जो थी वो बिल्कुल अपने विचारों पर, अपने निर्णय पर बिल्कुल अड़ी रही कि भाई आप चाहे पाकिस्तान चले जाए लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी जहां मैं पली बड़ी, जहां पर मेरी पति की मृत्यु हुई, जहां पर मैंने 10 बच्चों को जन्म दिया, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमें इस कहानी में जो मुस्लिम परिवार है और जो हिंदू परिवार है उसकी घनिष्ठता के बारे में भी पता चलता है कि जब भी कोई चीज, कोई स्पेशल डिश चाहे हिंदू परिवार में चाहे मुस्लिम परिवार में बनाई जाती तो वो एक दूसरे का शेयर करते थे। अर्थात जो भी अच्छी चीज बनती थी, यदि हिंदू के घर पर अच्छी चीज बन रही है, कोई अच्छी डिश बन रही है, तो उसे अम्मा जी के घर पर पहुंचाया जाता, और यदि अम्मा जी के घर पर कोई अच्छी डिश बन रही है तो वो रूपचंद जी के घर पर पहुंचाया जाता। यहां तक कि जब नया जो जब बच्चा, नवजात बच्चा पैदा होता है तो वो उस पर भी एक दूसरे के घर पर वो जाते, बधाई देते और नवजात बच्चों के लिए कपड़े भी लेकर जाते। डॉक्टर रूपचंद जी जो थे वो अम्मा के परिवार के मानो फैमिली डॉक्टर थे। जब भी कोई बीमार होता डॉक्टर रूपचंद जी दौड़े चले जाते और सभी लाइन बाई खड़े हो जाते, सभी अपने अपनी बीमारियों के बारे में बताते और डॉक्टर साहब भी उनसे मजाक करते, हाँ डॉक्टर तो फ्री का ही है इसलिए जितने चाहे आप मरीज अपने घर के दिखाओ। वो अम्मा से भी बोलते थे, जब अम्मा बीमार पड़ जाती थी तो वो डॉक्टर रूपचंद जी को बुलावा भेजती थी कि आप हमारे घर पर आइए देखने के लिए, तो डॉक्टर रूपचंद जी भी उनसे मजाक करते थे कि आपको जब मुझसे मिलना ही था तो केवल बुलावा भेज देती, ये बीमारी, बीमार होने का क्यों बहाना बना रही, इस तरीके की बातें होती थी। और मुसलमानों के जब उनकी अम्मा की पुत्र वधुओं के जब कोई भी बच्चा पैदा होता था तो डॉक्टर रूपचंद जी भी दौड़े चले जाते थे और उस प्रसव में उनकी पूरी मदद करते थे करवाने में, और वो चुटकियां भी लेते थे, हंसी मजाक भी करते थे कि डॉक्टर तो घर का है, मनमाए जितने बच्चे पैदा कीजिए। इस तरीके से कई पीढ़ियों से डॉक्टर रूपचंद जी और जो अम्मा जो मुसलमान परिवार की मुखिया थी उन सब में आपसी घनिष्ठता थी, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन इस विभाजन ने, भारत पाकिस्तान के विभाजन ने उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ा। महिलाएं भी अक्सर मजाक किया करती थी, खाने के बारे में भी बातें किया करती थी, आज क्या खाना बना है, मिर्च मसालों पर ही उनकी चर्चाएं हुआ करती थी जब वो खाली समय पर बैठा रहती थी, तो इस तरीके की उनकी गपशप हुआ करती थी। और जब पार्टीशन के बारे में इस तरीके से कहा गया और जब अम्मा के जो बच्चे थे वो तैयार हो गए कि हम तो यहां से छोड़कर पाकिस्तान जाएंगे, तो वही हुआ कि वो उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन अम्मा ने क्या कहा कि भाई मेरे जो बक्सा है उसके हाथ तक मत लगा, मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हूं, मैं तो यहीं रहना चाहती हूं। और बड़े बेटे ने उसको
मारा कि आप आपका मैंने तो यही रही है, हमें तो यहाँ से जाना है। और सभी अब्बा को छोड़कर जितने भी सदस्य थे वो सबके सब अपने सामान को पैक करके लूनी जंक्शन की ओर चल देते हैं। इधर अम्मा जो है वो अकेली रह जाती है, और अकेली रहने के बाद उसके दिमाग में बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं। वो देखती है कि जैसे उनके पुत्रों को मार दिया है, उनके नाती पोतों को मार दिया है, यहाँ तक कि जो उनकी बहू है उनको निर्वस्त्र कर दिया गया है। इस तरीके के बुरे बुरे सपने आते हैं। और रात्रि को डॉक्टर रूपचंद जी की जो पत्नी है वो उनको खाना लेकर जाती है और उनको खाना खिलाती है। सुबह जब होती है तो जो सुबह जो है वो एक सुखद अंत से होती है कि वो देखती है कि उसके बच्चे जो पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुए थे वो लूनी जंक्शन से वापस आ चुके हैं। और इसमें जो प्रयास किया था वो डॉक्टर रूपचंद जी ने किया था। डॉक्टर रूपचंद जी उनके बच्चों को मनाकर वापस वो उनको घर ले आए, और इस तरीके से कहानी का अंत होता है। तो इसमें जो चुप कही है उन्होंने अपनी जो कहानियां जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में ये जो कहानी लिखी है, ऐसी कहानियां ऐसा जो अंत है बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज्यादातर आपने मूवियां भी देखी होंगी और कहानियां भी सुनी होंगी अपने बुजुर्गों से कि उन सबका अंत इतना बुरा हुआ कि लोग अपने ही घर में बेगाने हो गए और अपने ही लोगों से बिछुड़ गए। आज भी हम न्यूज़पेपरों में खूब देखते हैं कि उनका परिवार वहीं की वहीं रह गया, भारत से लोग पलायन कर गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, और आज तक वो परिवार जो है वो मिल ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं है कि हम कहां पर हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में लेकिन इसमें चुप्पी ने अपनी जो एंडिंग की है वो हैप्पी एंडिंग की है, और इसमें उन्हें अम्मा जी को और उसके परिवार के सदस्यों को मिलाने का काम किया। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।